क्या नाम है आप दोनों के? समझ में नहीं आया थे अपने साथ ये। अब इससे ना ऐसे मार मार के देखो आया ना टूट टूट के। भाई लेकर आ आ जाएगी आराम से। चलो भैया आ गए ऊपर। भाई साहब गजब ही था एकदम। दीपक भाई ने बाइक निकाली वहाँ से, देखा किस तरीके से स्कट मार रही थी, टायर घूमे जा रहा है, इतनी चिकनाहट है ना भाई बस में। देखो ऐसी चढ़ाई है। चलिए आपसे सीधे ऊपर जाके बात करता हूँ, कहीं लंच वंच के लिए रुकेंगे क्योंकि 3:15 हो गए हैं, लंच नहीं किया अभी अब तक हमने, तो वहीं जाके आपसे सीधा बात करता हूँ मैं। तो भाई ये मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया। अबे देखो स्किट मारती है, अभी तो बच गया। मज़ा आया तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो सफ़र पे _vlog। देखो भाई यहाँ रुकता हूँ एक मिनट, और ये अपना होटल जहाँ हम रुके हैं। चलो आगे चलते हैं, पहले तो अपना लंच का जुगाड़ करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। किधर लूँ? इधर पहले लंच करेंगे भाई। तो भाई यहाँ पे गेस्ट हाउस होम स्टे हैं सारे के सारे। लाइन से देखो ये तो नया ही खुला है, इसका सनी स्नो व्यू का आगे की तरफ, और इसके आगे चेक पोस्ट आ जाती है, आगे तो जाने नहीं देंगे, मना कर रहे हैं। तो बस यही है पूरा चितकुल। अभी रानी गेस्ट हाउस में आए, इनके पास खाना मिल जाएगा, चावल दाल बोल रहे हैं बना देंगे। चलो जी यहीं पर खाते हैं, फिर आराम भी करेंगे। देखो सूरज कितना मस्त चमक रहा है यहाँ पर यार। चलो जी लंच मंगा लिया अपना, गर्मा गर्म चावल दे दिए इन्होंने, देखो एकदम धुआं उड़ाता हुआ फ्रेश निकाला एकदम, और रोटी इतनी फुली फुली भाई मज़ा आ गया देखकर। फिलहाल तो मैं फटाफट खाना खाता हूँ ठंडा होने से पहले, यहाँ पे 2 मिनट में ठंडा हो जाता है, आपसे बात करूँगा उतनी देर में। ठंडा गर्मा गर्म सब्जी, बढ़िया। पहाड़ों के खाने जो है ना एक नंबर होते हैं, जल्दी खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो भैया बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी देखो अपने होटल के नीचे, और क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर जा रहे हैं, अभी ऊपर मंदिर है देखो, तो सामने रोड है एकदम। सो बाइक को यहीं खड़ी करता हूँ, ये रहा होटल और ये रहा मंदिर। ओई ये देखो शेरू, मोती क्या नाम है,
क्या बात है। तो यहाँ पे ना बाइक वाइक ले आना, गाड़ी ले आना मना है, बाहर की गाड़ियाँ 1000 रुपये फाइन है। तो पास में था इसलिए बाइक छोड़ के आ गया मैं। देखते हैं कैसा टेम्पल है यहाँ पे। थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है, रोड अच्छी है यहाँ की वैसे, ट्रैकिंग के हिसाब से छोटा मोटा ट्रैकिंग हो जाएगा। काफ़ी स्टॉक रखा है इन लोगों ने, इन्हीं को जलाया था रात को सिकाई के लिए, और खाना बनाने के लिए भी यहाँ पे बहुत यूज़ होता है। मैंने दिखाया था ना अभी आपको पीछे, लोग मैंने दिखाया तो बता दो, वैसे मैंने देखा था पीछे खाना बनाते हुए। यहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट भी बना रखा है यहाँ पे, देखो सही है भाई यहाँ पे फैसिलिटी। ये देखो एक मंदिर तो ये आ गया, नारायण देवता का है, विष्णु देवता का है, दुर्गा माता का है, किसका है लिखा नहीं है। कौन सा मंदिर है ये? किस चीज़ का? कौन सी देवी माता का? लक्ष्मी माता का। क्या खेल रहे हो तुम लोग? बढ़िया गेम हो रहा है। तो ये जो है लक्ष्मी माता का मंदिर बंद पड़ा है अभी, सुबह इससे कपाट खुलेंगे शायद 10 बजे खुलते हैं। बच्चे भी अच्छे अच्छे गेम खेलते रहते हैं भाई। देखो मंदिर में लाइटिंग के लिए सोलर पैनल लगा रखा है यहाँ पे, ताकि रात को भी उजाला होता रहे इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं, ये पूरा मंदिर का ही परिसर है आगे तक, एक के बाद एक। कितनी बर्फ जमी है भाई यहाँ पे। गबरू क्या नाम है, क्या नाम है? क्या बात है। डर रहे हो उससे? चलो हम चल रहे हैं, पीछे पीछे आ जाओ। हम ऊपर मॉनेस्ट्री में जा रहे हैं भाई, उनसे डर रहे हैं, उनसे हमें भी डरना चाहिए उनसे। मैं तो इनके लिए कह रहा था, ये जिसको देख लेंगे उसको थोड़ी देख पाएंगे, बेटा उसको तो हम नहीं देख सकते, घूम के आना पड़ेगा। है रास्ता? अच्छा चलो 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 बताओ। मोनास्ट्री, क्या नाम है आप दोनों के? समझ में नहीं आया। गीतांजलि। अच्छा ये छोटी सी मोनास्ट्री इनके यहाँ, देखो ये रही। यहाँ बर्फ जमी पड़ी है नीचे, और चट्टाने कैसी लग रही हैं एकदम। पानी बड़ा मस्त बह रहा है यहाँ से, बहाव देखो, आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है। तो ये मोनेस्ट्री को ना थोड़ा और ऊपर जाके दिखाता हूँ, देखो पीछे से कैसी दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है वैसे तो ये। ये देखो गजब की ब्यूटीफुल है यार, और पीछे का जो सीन है ना उसके हिसाब से तो ये देखो और ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ से देखो सोच रहा हूँ यहाँ से ऊपर एक बार जाता हूँ, अगर होगा रास्ता जाने का तो वहाँ से ऊपर से जो ना पहाड़ का व्यू देखते हैं एक बार कैसा आ रहा है। चलो देखते हैं चलकर। मुझे लग रहा है कि हम इस पे जाएंगे ना, इस बर्फ पे ज़्यादा टाइट ज़्यादा फिक्स ग्रिप बनेगी इस पे।
ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, हाय, नीचे कैसे हो भाई? गिरते पड़ते जा रही है अपनी सवारी, बाइक से तो गिरा नहीं, इससे जरूर गिर जाऊंगा भाई। बड़ी स्लिपरी है वाली बर्फ, बड़ी स्लिपरी है। दो बार गिर चुका मैं, मतलब फिसल गया दो बार। मज़ा आ गया, देखो पूरा चितकुल दिख रहा है। और ये मॉनेस्ट्री, और आगे मंदिर तक आ गया, वो नाग मंदिर, उसके आगे लक्ष्मी देवी मंदिर। मगर वो जो रास्ता वाला आस पे आ रही है, देखो वहाँ बस पारी और नीचे उधर तक गए थे, वहाँ पे पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है, देखो मस्त वाली एकदम गजब है भाई। ड्रोन होता ना अभी मज़ा आता भाई, ड्रोन से तबाही आ रही, तबाही तबाही आने से बच गई, शुक्र मनाओ ड्रोन नहीं है। तो अभी आपने देखा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू चितकुल का, और ये शानदार व्यू पहाड़ों का, पूरे बर्फ़ से ढके पहाड़। चलिए यहाँ से हम नीचे चलते हैं, 5 बज गए हैं और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, ठंड भी बढ़ती आ रही है। तो बस अब चलता हूँ सीधे अपने होटल में और वहीं जाके बात करूँगा। बस वहाँ फिसलूँ ना यार, मैं दो बार फिसल गया मैं वहाँ पे, जब ऊपर आ रहा था। तो बताऊँ कहाँ पे? यहाँ ये वाली जो पॉइंट है ना भाई, ये ख़तरनाक ही हो रहा है। कहाँ ले आया तू मुझे? गिरा पड़ा के मानेगा आज तू? भाई वहाँ चला, वहाँ धूप है। चल चलते हैं भाई। चलो भैया यहाँ से निकला जाए भाई। यहाँ पे कुछ वो ट्रैकिंग की रस्सी होनी चाहिए थी पकड़ने के लिए। सही सही बढ़िया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं था अभी मंदिर की तरफ और उधर था मंदिर, देखो अभी दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता जा रहा है सीधा भाई, ठंडी में हालत ख़राब हो रही है। आगे वो देखो मॉनेस्ट्री और इन चट्टानों के ऊपर, यहाँ ऊपर से मैंने आपको जो व्यू दिखाया था पूरे चितकुल का, देखो वो पॉइंट, वो वाला शेड है ना वहाँ पे, तो वहाँ उस पॉइंट से जो है पूरा चितकुल दिख रहा था भाई साहब, और उसके पीछे जो पहाड़ दिख रहे थे। और टाइम 5:30 से ऊपर हो गए थे नीचे आते आते, और ठंड इतनी बढ़ गई थी ना, और अंधेरा भी हो गया था और थकान भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सुबह लोग ख़त्म करते हैं, ये कुछ पहाड़ भी दिखेंगे पीछे बढ़िया वाले, क्योंकि रात हो गई थी तो कुछ दिख नहीं जाता पीछे का। तो अब देख लो आप एक बार फिर से इस पहाड़ को, जो कि सुबह के टाइम है इस टाइम, और अभी करीब 7:15 बज रहे हैं, और ठंड भाई सब गजब की है, -8 डिग्री के आसपास। और यहाँ ड्रम में ना पानी दिया हुआ है इन्होंने यूज़ करने के लिए, देखें जरा पानी का क्या हाल है। बाबा देखो पानी भैया जमा पड़ा है पूरा एकदम बर्फ, उड़ी बाबा हिल भी नहीं रहा भाई, फुल जमा पड़ा है। अब इसका जुगाड़ जो है ना, वो मैंने क्या किया है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। जुगाड़ करना पड़ता है हर चीज़ का। अपन लाए थे अपने साथ ये, अब इससे ना ऐसे मार मार के देखो आया ना टूट टूट के, ऐसे करके जो है बर्फ़ निकालेंगे। और पानी गर्म करने की रोड दे रखी है भैया ने, उसी से जो है पानी गर्म करेंगे, तो बढ़िया पानी गर्म हो जाएगा, तभी जाकर अपना जो है हाथ मुँह धोएंगे, फ्रेश होंगे। तो प्लान है यहाँ से निकलने का आज, आज है 23 दिसंबर, और चितकुल से निकल कर नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे बात करता हूँ। इस एपिसोड का यहीं पर दी एंड करते हैं, और बस आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो @_vlog। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए व्लॉग में। भाई साहब -8 डिग्री टेम्परेचर है, भयंकर वाली ठंड लग रही है, जा रहा हूँ मैं कमरे के अंदर। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।